सुप्रभात मेरे विद्यार्थी भाई बहन। नीति के दोहे में हमने पहला दोहा देखा था रहीम जी के बारे में। आप सब ने वीडियो भी देखी, दोहे के साथ परिचित भी हुए। अब हम दूसरे दोहे से आगे बढ़ेंगे। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, कही रही मैं संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, विपत्ति कसोटी छे कसे ते साचे मित रही माँ ते ही साचे मीत। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है, कही रहीम संपत्ति सके, जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब बनत बहुत बहुरीत, यानी तब मनुष्य के पास लोग तरह तरह के सगे बन जाते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, यानी उसे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन विपत्ति के समय जो साथ देते हैं वही तेई साचे मीत, यानी कि विपत्ति के समय जो साथ देते हैं उसी की सही पहचान हो जाती है, वही सच्चे मित्र हो जाते हैं। गुजराती में कहिए तो रहीम जी कहे छे के ज्यारे मनुष्य पासे संपत्ति होय छे त्यारे लोको विविध रीते तेना शू थई जाय छे, सगा बनी जाय छे। आपणे सौ जोईए छीए, हवे तो तमे पण थोड़ा मोटा थया खबर पड़े छे आपणने, हे ने, तेनी साथे संबंध जोड़े छे। परंतु ज्यारे विपत्ति एटले के कसोटीनो समय आवे त्यारे जे साथ दे तेने ज साचो मित्र कहेवाय छे। ठीक छे, समझायुं? आगळ रही मन देखी बड़े न को लगो न दीजिए डारी, रही मन देखी बड़े न को लगो न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी, रही माँ कहाँ करे तरवारी। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि जहाँ बड़े बड़े को देखकर छोटे की उपेक्षा हमें नहीं करनी चाहिए, यानी बड़े के साथ समर्थन करके छोटे लोगों को नीचा दिखाने नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या करती है तलवार, क्या कर सकती है? जहाँ काम आवे सुई, तलवार का काम क्या है और सुई का काम क्या है, यहाँ उदाहरण देकर बताया है कि जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार, यानी जहाँ तलवार काम आ सकती है वहाँ सुई काम आ सकती है। जो काम सुई कर सकती है क्या वह तलवार कर सकती है? सुई जो है हमें जोड़ने का काम करती है और तलवार से हमारा क्या होता है, तो तलवार का उपयोग जैसे होता है, तो यहाँ रहीम जी कहते हैं कि रहीम जी एवं कहते, गुजराती में देखेंगे रहीम न देखन बड़े को, बड़े यानी मोटा मानस, लघु यानी नानो मानस। तो अहीं रहीम जी कहे छे कि मोटा ने जोई दे नाना ने फेंकी न देवो जोईए। शा माटे? दीजिए डारी, यानी गुजराती में एवं कहवाय एम। तो ज्यां सुई काम आवे छे त्यां तलवारनुं शुं काम छे? एटले आपणे नाना मोटानो भेद જોઈને કામ કરવું જોઈએ। ત્યાં સોઈ કામ કરે છે, જે કામ સોઈ કરે છે શું તે તલવાર કરી શકે ખરી? આમ પ્રશ્ન થાય તો આમ રહીમજી અહીં આપણને એ શીખવે છે। આગે કા દિન સબન કો લખત હે, દિન હી લખે ના કોઈ, દિન સબન કો લખત હે,
रखे ना कोई, जो रही मन दिन ही लगे दिन बंधु सम होय रही माँ दिन बंधु सम होय। यानी कि यहाँ रहीम जी कहते हैं कि असहाय और सहाय यानी जो संबंध को लखत है दीन यानी गरीब, जे रहीम जी कहते हैं असहाय और गरीब लोग जो बेबस है वो आशा भरी नजरों से देखते हैं। क्या करते हैं? आशा भरी नजरों से देखते हैं, सबन को लखत है यानी देखते हैं। जो रहीम दिन ही लखे तो, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता, उनकी ओर कोई दया दृष्टि नहीं रखता। क्या कहते हैं? गरीब लोग जो है वो आशा भरी नजरों को सबके सामने देखते हैं, पर उनकी ओर कोई नहीं देखता तो उनकी ओर कोई दया दृष्टि भी नहीं करता। जो असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान है, ईश्वर के समान है। तो यहाँ गुजराती में कहिए तो रहीम जी कहते कि अपने सब जानिए छे कि नाना माणसों हो हमेशा ये मोटा माणसों ने केवी रीते जोईशे, तो के आशा भरी नजर थी जोईशे कि आनी पासे थी मने कई मळशे, आनी पासे थी कई मळशे, एम एने आपणी आशा होय छे। पण तेमना तरफ कोई जोतुं नथी અને તેમના તરફ પર દયા કરતું નથી। જે ગરીબ પર દયા કરે છે તે ખરેખર ભગવાન સમાન હોય છે। મેરે વિદ્યાર્થી ભાઈ બહેન, મેરા પ્રયાસ રહ્યા આપકો સમજ આને કો યે તીન દોહે આજ હમ કરેંગે, કલ આગે ફિર સે બઢેંગે, કલ ફિર મિલેંગે, તબ તક કે લિયે આપકો યે દેખના હૈ પઢના હૈ, ઓર કોઈ ડાઉટ હો તો આપ મુજે મેસેજ કરકે પૂછ સકતે હૈ। ધન્યવાદ।